Welcome back to Gupshup. जी अरीज सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. ये नेचुरल है या कॉमेडी शोज अटेंड कर करके हो गया? दो को मैंने ड्रामे भी किए हैं. नहीं, मगर मेरे ख्याल से नेचुरल फ्लेयर एक है प्रदीप भाई आपका. देखें चौधरी साहब, आपका पेयर माशाल्लाह अकरम उदास साहब होते थे, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, कैसर पिया हैं, मैंने इनके शोज बहुत किए जी. अच्छा. मुझे खुद नहीं पता था मैं इनकी तरह का इंसान हूँ. मैं तो अपने आपको बड़ा कॉमन आदमी समझता था. ये बड़े अजीब लोग हैं सर, मैं इनसे बहुत सारी चीजें मुझे मुंतकिल हो गई. एक चीज जो मानने वाली है कि एज इट इज पर्सनैलिटी वाइज ही एक बड़े पॉजिटिव और एक हैप्पी गो लकी है माशाल्लाह आदमी. खैर मजाक तो अपनी जगह, मगर ये जो डेढ़ दो साल का अरसा गुजरा उसके बाद भी अगर आज रीम भाई बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तो ये क्योंकि नेचुरली इनके अंदर है, तो ही इज एबल टू टेक इट लाइक दिस. आपकी फैशन सेंस भी बहुत अच्छी है. अपनी ड्रेसिंग आप खुद सिलेक्ट करते हैं या कोई स्टाइलिस्ट आपका? ये तो आपकी आंखों का लगता है कमाल है. आपके आपकी आंखों में कोई ब्यूटी है. आपकी आंखों में देखे ना आप वासे चौधरी साहब, जब मैं आया हूँ ना तो आपके गेट पे यहाँ रूटीन में कोई पुलिस के लोग आए हुए तो मैं बड़ा परेशान हुआ. जैसे चौधरी साहब मुझे मिले हैं तो मुझे लगा ये किसी ना उसकी वकील के एडवोकेट के उसमें लिबास में है, काला कोट वाइट सूट इनका, तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई क्योंकि आजकल हमें बुकला ही बचा रहे हैं, वरना हमारा हाल कोई नहीं. नहीं सर, उनको लगा है कि आपकी फैशन सेंस बड़ी और ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी है, बहुत शुक्रिया. तो ये आई थिंक उनका, वैसे आपने कहा कि उनकी आंखों का कमाल है और वो आपको लग रहा है ऐसा या सिर्फ अरीज को ऐसा लग रहा है? अरीज को लग रहा है. नहीं, मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं कवर कर रही हूँ. अच्छा, आपको ज्यादा लग रहा है कि वो ज्यादा आपको लग रहा है उनकी फैशन? ये देखिए उनको लग रहा था, मगर अब आप ये कहिए कि उनकी भी आंखों का कमाल है. क्या आपने और मैंने मिलके कोई बुटीक खोलनी है? नहीं नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ कि आप ये देखिए. शुक्र करो हालात ठीक हो गए तो बुटीक ही खोलनी पड़ती है. मगर दो खवातीन है और दोनों खवातीन ने कहा कि एक को आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगी और एक को और भी ज्यादा अच्छी लगी. मुझे या कैसर को किसी ने नहीं कहा उन दोनों में से. नहीं कहा. यू आर द ओनली वन जिनकी अच्छी लगी. आपकी तो शुरू से मुझसे जलसी है. आप हैंडसम लोगों को बर्दाश्त नहीं करते. शुक्र करो हम तुसी हैंडसम जे ने ते तुसी हैंडकफ चोना. लेकिन आज मुझे आप भी प्यारे लग रहे हैं, मसलन अरीज भी, नदीम भी, सब माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है. यकम तो नहीं, सैलरी तो नहीं मिली आपको? क्योंकि आज आपको पता है कि रिदा जी आई हैं और इनको मैं 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ. अच्छा. 5 साल से? 5 साल, क्योंकि 5 साल से आप आई हैं इस फील्ड में. जिंदगी में नदीम भाई मैं आपको पता, आप सच्चा आदमी हूँ. मैंने पूरी दुनिया में गया हूँ मैं, लेकिन इतनी प्यारी लड़की मैंने कभी नहीं देखी. तो आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह. तो आपको भी कोई ऐसा शख्स है पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जो इतना ही प्यारा लगता हो? कोशिश कर रही हूँ प्यारा लगना शुरू. अभी प्यारा नहीं लग रहा हूँ मैं? नहीं, सामने प्यारे लोग बैठे हैं ना, ढूंढ रही हूँ. नहीं, मेरी तो आप बात छोड़े ना. लेकिन जिसका मुझे इंतजार था आज वो शाहकार आ चुका है. तो आपका मेरे बारे में से क्या ख्याल है? सोच सकता. सोचे तो सही. सोचेंगे जरा फ्री हो के. अगर सोचेंगे भी आपकी सोच में कैसा लड़का होना चाहिए? चलो मुझे छोड़े, वो भी सुबह तक चेंज हो सकती है. रात तक सोचेंगे, सुबह कुछ भी रिजल्ट नहीं कर सकती. किधर इलेक्शन का रिजल्ट है? ये उससे भी मुश्किल है. इलेक्शन का रिजल्ट भी सुबह, इससे मुश्किल है. अपना आइडियल बताएंगे. आइडियल अंडरस्टैंडिंग. हाँ वो ठीक है. और पर्सनल स्पेस. अच्छा, पर्सनल स्पेस. स्पेस देने वाला होना चाहिए. ये नहीं कि हर वक्त हावी रहे. हर वक्त मतलब तुसी आओ ते साइड ते हो जाए तानू स्पेस दे दे. अबे नहीं यार, केयर अगर है वो साइड पे होके मुझे बैठे थे मेरी स्पेस. स्पेस देने वाला हो और केयरिंग. केयरिंग तो मैं एक मरे मोहल्ले में लड़की मट्टी खाती थी, मैंने उसे रोकता था. अच्छा, केयरिंग हो, स्पेस देने वाला हो, बस काफी. और बैंक अकाउंट, एटीएम? नहीं, वो नहीं चाहिए. हाँ, वो अपना, मेरा अपना चलता. हाँ, ये देखे ना, ये क्या बात हुई? बैंक अकाउंट, एटीएम? भैया वो इंडिपेंडेंट खातून है, उनको नहीं इस किस्म की चीजें ट्रैक करती. डन, फिर मैं समझू. अमेरिकन देख के कह दें या ना कर दें, यहाँ आज खत्म कर दें बात ना करें. और कैसे? हाँ, ये देखे, ये भी तरीका होता है ना करने का. हाँ, मेरी तरफ देख के कह दे. ऐसे अच्छा नहीं लगता. अरे बड़ा अच्छा लगता है आपको. आपकी अम्मी की कसम है, हाँ या ना करके दे. ना ही समझ है.
العظيم السلام عليكم يا شاودري وعليكم السلام انا ابغى ثاني مترجم انا ما ابغى هذا कुछ समझ नहीं आई मुझे सर बस नाराज अब किस बात पे नाराज इंज होने जिमे मेरी फूफी ने हुआ क्या है कलम या चौधरी हां लम युखबरनी अन बीएसएल قد بدا कहने मैंने ना इन्हें पीएसएल मैंने धोखा किया पीएसएल नहीं मैंने देखने देता क्यों असल में ना ये वो वुमेन सुपर लीग करवाना चाहते थे हाँ। तो वो मुझे पता ही नहीं था स्केजुअल अचानक पीएसएल का आ गया तो मैंने बताया पीएसएल शुरू हो गया हाँ। इस बात से नाराज हो गए कहने जी मैं पीएसएल देखना सी इन्हें वो भी मैंने सही तरह देखने नहीं देता अच्छा बुकिंग कहने जी बुकिंग कराओ हाँ। मैं बुकिंग करा दी लेकिन उस जेते अड़ के कहंदे जी मैं हेलीकॉप्टर ते बैठ के जाना है आईवा سوف في हेलीकॉप्टर في الملعب लो इस तरह हो सकदा सर के मैच हो रहा होवे ते मैं हेलीकॉप्टर समेत पिच ते उतर जावा मैं कह भी उते हेलीकॉप्टर सेंटर च नहीं उतर सकदा हां माफी सोवी انا اكلم سوف تكون اركضي في الملعب कहंदे जी फिर उते मैंने कहा भी सोफे लवा मेरे वास्ते मैं कह सोफा भी नहीं लग सकदे क्योंकि पिछे फैमिलियां बैठी होंदिया ने इन्हों का मैं सोफा लवा देंदा ते ओ पिछो उन्होंने नजर ही कुछ नहीं सी आना छोड़ पाउंदे ने सर सर एक बारी इन्हां नूं पिछ दे उत्ते लैके गया ते लोकी इन्हां नूं लम्मे पा के विकेट सही करन लग पे या वरेश वा इज़ने सोवी किदा ला रबा कहंदा बैठा इंज लग रहा है जिवें लकड़ बग्गा हुंदा वा इज़ने सोवी किदा दाबू फीही मिन अल अदअमत अल खास कहंदा जी फिर गैलरी दे विच बुकिंग करा स्पेशल ते उते मेरे वास्ते वधिया वधिया खाने भी लवा लहम अल जबल लो ऊंट दा गोश्त कहंदा स्टेडियम में हां जी लहम अल दान नाल कहंदा दुंबे ते बकरे होण लहम अल गज़ल नाल कहंदा हिरन होण तलूर नाल कहंदा तलूर होण अल हजल अल हजल दा की मतलब सर मैं लवा दित्ते ने यकीन करो मैं गैलरी दे विच नाल जी स्पेशल सोफे लाए ने और बूफे लवाया अन ला उशाहिदु पीएसएल हाजा बिसबिक लो कहंदा ए दी वजह तो फिर मैं पीएसएल ही नहीं देख सके क्यों नहीं देख सके अने टकन चुके मेरे पक लगे मैं खा के सो गया यानी टास भी नहीं हुई तो सुते सन हुन कह रहे ने दे तेरा किस मेरा दे की यू कांट ब्लेम हिम या चौधरी कैफ इंटर माफी सदीक हगी यू आर द वन हु स्लेप्ट ले जुआ उफकुल हसया करो इंज लगता जेल का दरवाजा खुल रहा है अभी मॉडलिंग कर रही है लेकिन आने वाले वक्त में बहुत बड़ी हीरोइन होंगी असली 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 और उसी रंग रहा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या वाला सदीक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सभी दावत तो आप अच्छा जी वो कह रहे जी भी हमारी दावत पे आपने आना है जरूर जी हां कितने करेंगे अव्वल कलम इस्मो आगे ओ माय गॉड कह रहे मेरा नाम तो दसे नहीं शेख वजन बिन जर्रा मेरा नाम असफर बिन वडैच है जी बड़ी गल ते कितने दावत ते ताम कितने फी हग रेस्टोरेंट कहंदा मेरा अपना रेस्टोरेंट हैगा लाड़काने वाला ला 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 दुबई दुबई या हबीब भाई दुबई दुबई वाले ते सिर दावत जरूर जी जरूर दो जी ओना नु पूछना